सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप इंडिया टुडे की स्टेज पर आ रहे हैं। धन्यवाद। इतने बड़े नेशनल स्टेज पे आने के बाद जो मैंने शुरुआत की थी कि हम सब ने जो देखा महाराष्ट्र में पिछले जून महीने में खास करके हमने देखा, और आप सूरत के रास्ते, गुवाहाटी के रास्ते महाराष्ट्र में आए, वो सीधे मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र में आए। आपकी ये जो यात्रा है वो बड़ी दिलचस्प है। ये कैसे हुआ आखिरकार? आपने 40 साल आप जिस पार्टी में थे, जिस तरीके से आपने पार्टी को बिल्ड करने के लिए कोशिश की थी आज तक, ये कैसे हुआ कि आपने सोचा कि आपको अब उद्धव ठाकरे के खिलाफ खड़ा होना है? क्या आपको पता था कि आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये कैसे हुआ ये सारा चीज? कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो पूरे महाराष्ट्र में सब लोगों को पता भी है, और कैसे हुआ ये तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश ने, बल्कि दुनिया भर के सभी लोगों ने देखा है। ये कुछ पाने के लिए या ये कुछ मुख्यमंत्री बनने के लिए ये नहीं हुआ था। यहाँ पर जो 2.5 साल की गवर्नमेंट थी और जब 2019 में गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, तभी से लेके इसकी शुरुआत हुई थी। पूरा बताऊँ ना आपको? पूरा पूरा बताइए, हम सुनना चाहते हैं। पहली बार हम आपके मुंह से सुनेंगे। जब 2019 में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन की सरकार हुई, आघाड़ी सरकार, तभी से जो 3 महीने पहले की जो सरकार, जो चेंज सरकार हुई, उसकी शुरुआत वही वही से हुई थी। क्योंकि हम लोग चुनाव लड़े थे शिवसेना भाजप के साथ में, और जो मतदाता है, वोटर्स है, उनका मैंडेट भी था शिवसेना बीजेपी की तरफ। और चुनाव में भी हम लोगों ने प्रचार जो किया था वो बाला साहेब ठाकरे जी को और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को सामने रखते हुए, और लोगों ने भी भरपूर सपोर्ट किया, और जो मेजोरिटी के लिए नंबर्स लगते हैं उससे कई ज़्यादा नंबर्स हमारे पास आए थे शिवसेना बीजेपी के साथ। फिर भी सरकार जो लोग चाहते थे शिवसेना बीजेपी के बने, उनके चाहत के विरुद्ध में सरकार बन गई। और तभी से हमारे विधायक जो है उनका भी रेजिस्टेंस था, विरोध था, लेकिन हम लोग आदेश के मुताबिक काम करने वाले कार्यकर्ता लोग हैं। बाला साहब जी का आदेश हम लोग मानते मानते इतने साल काम किया, पार्टी को बढ़ाया, और उसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता प्रमुख के आदेश को हम लोग मानते थे। लेकिन जब देखा 2.5 साल में जिस मकसद से सरकार बनी थी, विधायक जो देखते हैं कि फिर चुनाव में हम कैसे सामने जाए, लोगों को कैसे जवाब दे और लोगों को कैसे काम करे, लोग चाहते जो चुनाव में विधायक चुनकर भेजते हैं वो लोगों की अपेक्षा होती है, मतदाता की, कि हमारे चुनाव क्षेत्र में काम हो, विकास हो, विकास के प्रकल्प जो सब सिविक एमिनिटीज जो होती है, प्रकल्प होते हैं, वो चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे थे, दुर्भाग्यवश। आपके मुख्यमंत्री तो आप ही के थे, आप खुद मंत्री थे उसमें, उसके बावजूद आपकी शिकायत है कि वो सब चीज नहीं हो पा रही थी जो आप चाह रहे थे। उद्धव ठाकरे खुद मुख्यमंत्री थे, क्या यही सबसे बड़ी समस्या थी? हाँ, नहीं, समस्या तो मुख्यमंत्री कौन था इसकी नहीं थी, हाँ लेकिन जो निर्णय लेने चाहिए थे इस राज्य के हित के, हाँ और जिस जो लोग शिवसेना के विधायक थे उनके चुनाव क्षेत्र में जो उनके मतदाताओं की जो एक्सपेक्टेशन थी, उनकी अपेक्षा थी, उसको पूरे नहीं कर पा रहे थे। और सरकार में रहने के बाद, सरकार हमारी होने के बावजूद हमारे कार्यकर्ताओं को न्याय नहीं मिल रहा था, और विधायक बार बार नाराजी जाहिर कर रहे थे। कई बार हम लोगों ने कोशिश की, मैंने भी कोशिश की, हमारे कई लोगों ने कोशिश की कि इसमें कुछ बदलाव आए, लेकिन दुर्भाग्यवश हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। मतलब आपने उद्धव ठाकरे को कई बार कहा था कि दोबारा बीजेपी के साथ चलते हैं। बिल्कुल नेचुरल अलायंस हमारा था ना, वो
जो नेचुरल अलायंस था वही लोग भी चाहते थे, जनता भी चाहती थी और हम लोग भी चाहते थे। लेकिन कुछ ऐसा समय भी आया था कि कुछ बदलाव हो सकता है, लेकिन नहीं हो पाया। फिर भी 2.5 साल आपने इंतजार किया, बीच में एक बार फिर बातचीत चल रही थी कि उद्धव ठाकरे और बीजेपी के साथ कुछ बातचीत होगी, क्या सचमुच ये हो रहा था, बीजेपी के साथ बात चल रही थी? बिल्कुल, हमारे प्रमुख जो थे वो हमारे मुख्यमंत्री, वो सिर्फ मतलब जब दिल्ली मोदी जी को भी मिले थे और उस वक्त भी कोशिश चल रही थी लेकिन कर नहीं पाए, यही तो राज्य का दुर्भाग्य है। और इसलिए जो होना था हो गया, क्योंकि हम लोगों ने कुछ ऐसा वैसा गलत काम किया नहीं, क्योंकि जिनके साथ हम चुनाव लड़े थे, जो लोग चाहते थे, जो लोगों का मैंडेट था कि शिवसेना बीजेपी नेचुरल अलायंस पार्टी है और पिछले 25 सालों से यहाँ पर महाराष्ट्र में साथ साथ में काम करते हैं, और जो बाला साहब भी चाहते थे। अभी बाला साहब क्या चाहते थे, बाला साहब चाहते थे, जब उनका, मैं आपको भी पता है कि उनका एक वक्तव्य था, स्टेटमेंट था कि मुझे एक दिन प्रधानमंत्री बनाओ, कश्मीर का धारा 370 में रद्द करूंगा, अयोध्या में राम मंदिर बनाऊंगा, ये उनकी सोच थी। तो अभी कौन बना रहा है? ये तो अभी धारा 370 ये देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में हमारे गृह मंत्री यूनियन होम मिनिस्टर अमित भाई शाह जी ने किया, राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। तो हम लोगों ने कहा गलत किया है, जो बाला साहब चाहते थे वही तो हम लोगों ने किया है। लेकिन उद्धव ठाकरे का ये कहना था कि आप कह रहे हैं कि ठीक है कि 2019 में आपने साथ में चुनाव लड़ा, उसके बाद आपको मैंडेट मिला, सरकार आपकी बननी चाहिए थी, लेकिन उनका ये कहना था कि एक बातचीत उनकी हुई थी अमित शाह के साथ में और उसको लेकर अभी भी थोड़ा सा अनबन चल रही है थोड़ी बहुत, कि उस बातचीत में क्या हुआ? उनका यह कहना था कि उन्हें वादा किया गया था कि 2.5 साल शिवसेना का मुख्यमंत्री बनेगा, 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, जो भी मंत्रिमंडल बनेगा सत्ता का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 50-50% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उनकी बात को ठुकराया गया, इसके लिए उनको यह करना पड़ा। दूसरी बात, आप खुद भी जानते हैं, आप खुद उस देवेंद्र फडणवीस के मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, आपको भी पता है कि तब शिवसेना और बीजेपी के बीच में किस तरीके के रिश्ते थे। उनका यह कहना था कि उनके साथ में दम घुट रहा था, अलायंस नेचुरल खत्म हो गया था और अलायंस सिर्फ सत्ता के लिए बन गया था, इसके लिए उनको सत्ता से दूर जाना, उनके साथ सत्ता नहीं करना ये जरूरी हो गया था। तो उनको, उनका कहना है कि वादा खिलाफी बीजेपी ने की, इसके लिए हम लोग ने, हमको कांग्रेस एनसीपी के साथ जाना पड़ा। आपको बताया था उद्धव ठाकरे ने कि 2.5 साल का मुख्यमंत्री पद उन्होंने बताया था कि ऐसा हुआ था, लेकिन वहां पर कोई नहीं था, वो थे और अमित भाई थे। और जब ये मैंने भी कहा, फिर अभी जो हुआ हुआ, 2.5 साल तो हो गए, अभी हम लोग दुरुस्त करते हैं, जो 2019 को करना चाहिए था दुरुस्त कर देते हैं, हम फिर से हमारे नेचुरल अलायंस पार्टनर के साथ जुड़ते हैं हम लोग। तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस एनसीपी के साथ में 2.5 साल मुख्यमंत्री पद होने के बाद बीजेपी के पास चले जाएंगे? 2.5 साल से पहले, पहले जब ऐसी बात होने लग गई, हमारे विधायक जो है एमएलए नाराज हो रहे थे, वो मेरे को आके मिलते थे, एक ही तो सुनवाई की जगह थी एकनाथ शिंदे, अभी सब आते थे, अपनी दुखड़ा सुनाते थे मुझे, मैं सुनता था, फिर मैं जाके उनको कहता था अभी देखो इसमें सुधार करो, लेकिन नहीं हो पाया। फिर उसके बाद में जब मैं ये सब जो हुआ है, देखिए ये छोटा, आप जानते हो कितना ये जो कदम उठाया है, लोग अपोजिशन में से रूलिंग पार्टी में जाते, हम लोग रूलिंग पार्टी में थे, मैं मिनिस्टर था, मेरे साथ 9 मिनिस्टर थे, ऐसा कभी दुनिया में देखा है कि रूलिंग में से अपोजिशन में जाने का कभी, ये कभी सुना है कोई? लेकिन ये क्यों हुआ, क्योंकि हमें जो आइडियोलॉजी हमारी पार्टी की थी, हमारे शिवसेना प्रमुख जी जिनको हम बहुत ही श्रद्धेय मानते हैं, उनकी सोच विचार से जब बदलाव होने लगा तब हम लोगों ने ये रास्ता अपनाया है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि बाला साहब ठाकरे के बेटे को ही आपने मुख्यमंत्री पद से हटवा दिया। देखिए पहले तो वो कह रहे थे कि एक शिवसैनिक को बनाऊंगा, मुझे बनना नहीं था, मुझे, मैं जब ये कदम उठाया तभी भी मेरे दिमाग में सोच नहीं थी, उनका ही कहना था मुझे नहीं बनना है, तो क्यों बोल रहे कि मुझे उतार दिया। हम लोगों ने किसी को उतारने के लिए या किसी कुर्सी पे बिठाने के लिए कदम नहीं उठाया है, इस राज्य के हित के लिए, इस राष्ट्र के हित के लिए
और लोगों के जनता के जो मैंडेट था उसका रिस्पेक्ट करने के लिए हम लोग ने यह कदम उठाया है। नहीं, लेकिन आम तौर पर यह देखा गया है कि बीजेपी के साथ में जो भी अलायंस पार्टनर्स हैं वो बीजेपी के साथ खुश नहीं रहे। वहां पर हमने देखा कि जनता दल यूनाइटेड बीजेपी से दूर हटा, अकाली दल बीजेपी से दूर हटा। हमेशा बीजेपी के साथ ये दिक्कत रही है, इस तरीके से कहा जाता है। शिवसेना के साथ भी यही दिक्कत थी, आपका कई बार बीजेपी के साथ झगड़ा हो चुका है। क्या आप बीजेपी को पूरी तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं, विश्वास रख सकते हैं बीजेपी पर कि ठीक है जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब वो आपको सरकार चलाने देंगे? देखिए, 25-30 साल हो गए शिवसेना भाजपा बीजेपी की अलायंस। जब हमारे बड़े साहब थे, बाला साहब जी थे, तभी भी ऐसे कई बार ऐसे मौके आए, लेकिन तभी प्रमोद महाजन जी, अडवाणी जी, राजनाथ सिंह जी सभी लोग आते थे और जो भी है मसला सुलझाते थे। कहां पर हम लोगों ने कभी अलायंस तोड़ दिया? नहीं तोड़ा। अभी जब देखिए, मैं अभी पूरे डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हमारे नंबर जब चुनाव हो गया और चुनाव के नतीजे आए, तभी स्टेटमेंट शुरू हो गया कि हमारे लिए भी सारे दरवाजे खुले हैं। इसका मतलब क्या है? हम तो चुनाव लड़े थे बीजेपी के साथ, तो ये बोलने की जरूरत क्या थी? और जब भी अगर ऐसा कमिटमेंट हुआ था, तो कई बार मोदी जी के सभा में मोदी जी ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस हमारा मुख्यमंत्री का कैंडिडेट है, तभी ऐतराज करना चाहिए था। और मैं जब ये कदम उठाने के बाद मोदी जी से भी मिला था, अमित भाई से भी मिला था, उनको भी मैं ऐसे, मुझे तो पूछने का कोई अधिकार नहीं, बड़े नेता है हमारे देश के, राष्ट्र के, लेकिन मैंने ऐसे पूछा कि क्या उसमें सच्चाई क्या है। तो उन्होंने कहा, देखिए शिंदे जी, अगर हम लोग बिहार में नीतीश जी को नंबर्स कम होने के बावजूद भी हमारी कमिटमेंट के मुताबिक मुख्यमंत्री बना दिया उनको, और मेरे पास भी 50 थे, उनके पास तो 100 से ज़्यादा थे, ये भी मिसाल थी हमारी कि मेरे पास कम होने के बावजूद भी मुझे मुख्यमंत्री बनाए। वो बोले, अगर समझो हम कमिट करते तो एक राज्य हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, हमारे पास तो पूरा देश है, तो हम क्यों ऐसा करेंगे? हाँ, सरकार सत्ता जो है, मिनिस्ट्रीज है, बिल्कुल हम लोग जो 50% जो है या उससे ज्यादा भी वो मांगे, कोई इतराज नहीं था। क्या आपको अभी कमिटमेंट किया था कि आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे जब आप ये, जब आपकी ये बगावत हुई? बगावत में तो मत कहो, ये रिवोल्ट है, ये उठाव है, क्रांति है। ये मैं कहूंगा कि ये जो है, ये कोई कैसे सिचुएशन में हुआ है, ये कैसी परिस्थिति में हुआ है, ये दुनिया ने देखा है। हमें कोई, मैं कोई कमिटमेंट या मुख्यमंत्री बनने के लिए वहां नहीं गया था, मैं एक भूमिका था, एक विचार था हमारे शिवसेना प्रमुख जी के, और विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ने यह कदम उठाया है। तो ऐसा क्या उन्होंने सोचा कि उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी, जो उन्होंने 2019 में नहीं किया, आपको मुख्यमंत्री बना दिया? क्या कभी आपको कब पता चला कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले? क्या हमारे जैसे ही आपको भी अचानक पता चला, हम जैसे शॉक में हो गए कि अरे ये तो कुछ अलग ही हो गया, क्या उसी तरीके से आपको भी पता चला या आपको पहले से पता था? मैं पहले भी कहा है कि कुछ बनने के लिए या कुछ पाने के लिए मैंने ये कदम नहीं उठाया है। ठीक, हमारे जब विधायक इतनी चिंतित थे, क्रोधित थे और नाराज थे, तो मुझे कदम उठाना पड़ा। और इसमें आपको मैं बताऊंगा कि जो मैं कदम उठाया है वो छोटा मोटा कदम नहीं था। जो हिम्मत मैंने दिखाई है, जो क्या बोलते हैं, जो उन्होंने सोचा होगा, कहा जो ये हिम्मत वाला आदमी दिखता है, ये लड़ाकू आदमी है, ये महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री इसको बनाते, इसमें मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मोदी जी को, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उन्होंने अपने देश की डंका जो है, अपने देश का नाम जो है पूरी दुनिया में रोशन करने का काम किया है उन्होंने, और गृहमंत्री अमित भाई ने, और उसमें हमारे भारतीय जनता पक्ष के जो पार्टी के अध्यक्ष है, नड्डा जी है, देवेंद्र जी है, इनका सबका सहयोग है। बीजेपी तो कहती है कि दिल पे पत्थर रख के हमने ये निर्णय लिया है, आपने सुना होगा चंद्रकांत पाटिल बीजेपी के अध्यक्ष, उनका दूसरा बयान आपने नहीं सुना? फिर उन्होंने दूसरा बयान भी दिया, बदल दिया बयान, बदल दिया नहीं, दुरुस्त किया होगा, दुरुस्त किया। लेकिन देखो, भारतीय जनता पार्टी में
जो वरिष्ठ नेता होते हैं उनका निर्णय अंतिम होता है, और सोच समझ के उन्होंने निर्णय लिया, मुझे मौका दिया है, अच्छा काम कर रहे हैं हम लोग, इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोचा होगा। लेकिन अब भी हम देख रहे हैं कि जो बड़े पोर्टफोलियोज हैं, होम फाइनेंस, हाउसिंग, पावर या ऊर्जा, ये बड़े पोर्टफोलियोज डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर के हाथ में है। क्या आपको लगता है कि शिवसेना को तोड़ने के लिए आप पर बीजेपी ने आपको आगे किया है कि आप लड़िए, उद्धव ठाकरे के साथ लड़िए और हम सरकार चलाने की कोशिश करते हैं, क्या इसके लिए? देखिए, अगर आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि इसके लिए किया, बिल्कुल उनको ऐसा जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, लोग पब्लिक परसेप्शन जो था कि अभी बीजेपी मुख्यमंत्री बीजेपी का बनाने के लिए तोड़फोड़ कर रही है, लेकिन परसेप्शन देखा लोगों ने कैसे रखा था, हुआ क्या? बिल्कुल खिलाफ हो गया ना। और अगर वो चाहते तो उसी टाइम मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का बनता। हमारा देवेंद्र जी और हमारे बहुत अच्छा इक्वेशन है, अच्छा ट्यूनिंग है, बिल्कुल ट्यूनिंग अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले भी उनके साथ काम किया है, वो एकदम 5 साल का उनको मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, अच्छा एक्सपीरियंस है और उनके अनुभव का फायदा आज हमें हो रहा है तो ये सरकार चलाने में। तो ये डबल इंजन की सरकार है या ट्रिपल इंजन की सरकार है? आप भी है, देवेंद्र जी भी है। अभी बिल्कुल डबल भी है और दिल्ली भी साथ में है, सपोर्ट कर रही है। देखिए, जो है सच बोलने का मुझे बिल्कुल एतराज नहीं होता। हमारे शिवसेना प्रमुख जी बाला साहब ने वही सिखाया है, जो सच है सच बिंदास बोलो और कोई हिचकिचाओ मत। नहीं, लेकिन बाला साहब की लेगेसी क्लेम कौन करेगा? उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि जो इन विधायकों ने आपके साथ किया हुआ है आपको, वो खोके सरकार कहते हैं। खोका यानी 1 करोड़, यानी 50 करोड़ की सरकार आपको कहा जाता है। बार 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 आप पर ताना कसा जा रहा है कि आप गद्दार हैं और आपका इस्तेमाल खत्म होने के बाद बीजेपी आपको छोड़ देगी, ये बार बार उद्धव ठाकरे आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप किस तरीके से उस आरोप को देखते हैं? उनके पास दूसरा क्या है बोलने के लिए? उनके पास दूसरा क्या है बोलने के लिए? दो ही तो है, खोके और गद्दार। लेकिन हम लोग वफादार है, हम लोग ने क्रांति की हुई है, ये बहुत बड़ा रिवॉल्ट है। और दूसरी बात, क्यों हुआ? खोके पैसे देके 2-5-10 लोगों को फोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, 50 लोग, 50 लोग अगर एक साथ एक भूमिका लेते हैं और एक तरफ चले जाते हैं तो उसमें गलती किसकी है खोजने के बजाय ये आरोप लगाने का कारण, क्योंकि उनके पास, उनको पता है, वो कैसे बोल सकते हैं कि मेरी गलती है, मैंने गलती सुधारी नहीं, ऐसा कोई कबूल कर सकता है? नहीं कर सकता है। और इसीलिए जो गलती हुई है वो खुद आत्म परीक्षण करना चाहिए। ये 50 लोग क्यों ऐसी भूमिका लिए जो सत्ता में थे, ये सत्ता को छोड़कर त्याग कर चले गए, तब हमको थोड़ी पता था क्या होने वाला है। लोग तो अनुमान लगा रहे थे, अभी तो उनके शहीद हो जाएंगे सब लोग। आप तो बीजेपी में चले जाएंगे कहा जा रहा था, वो तो कह रहे थे ना, तो ऐसे भी कह रहे थे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, तो कहा हुआ? इसीलिए लोग जो कह रहे थे, लोग जो बता रहे थे, क्या क्या बोल रहे थे हमारे के लिए, ये होगा वो होगा, क्या वो हम लोगों ने हमारी बाला साहब की जो विचारधारा है उसे आगे बढ़ाया है? बिल्कुल उससे हम यहां वहां नहीं हटे। लेकिन वो जो तो, लोग वो, चाहते थे वही हमने किया है। सर, वो तो चुनाव में पता चल जाएगा ना कि कौन बाला साहब की लेगेसी आगे बढ़ा। बताया ना अभी ग्राम पंचायत में लोगों ने बता दिया ना, बीजेपी का तो 397 आया और हमारा शिवसेना, मतलब बाला साहब की शिवसेना जो है 277 आया, फर्स्ट और सेकंड नंबर। क्या है? और भी आगे देखेंगे। अभी भी आपका पार्टी पर दावा रहेगा, तीर कमान पर दावा रहेगा? दावा सवाल ही नहीं, हम लोग तो हम लोग देखो दूसरी जगह गए ही नहीं है। देखिए, ये शिवसेना पार्टी, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि पार्टी का अध्यक्ष उसी को पार्टी से निकाल दिया है और लोग कह रहे हैं कि हम ही पार्टी है, ऐसा पहली बार हुआ होगा। तो हम ही पार्टी, तो हम ही बढ़ाई है ना, हम ही लोगों ने तब जी जान से मेहनत करके पार्टी को बढ़ाया है, बाला साहब जी के साथ, शिवसेना प्रमुख जी के साथ काम किया है, पार्टी को सब बढ़ाने में सभी लोगों की मेहनत है। बट शिवसेना की छवि तो ठाकरे की शिवसेना इस तरीके से, देखिए तो ठाकरे जी, फिर हमारे बाला साहब के विचार तो हमारे साथ है ना, पर ठाकरे सरनेम तो आपके साथ नहीं है। अरे ठाकरे और बाला साहब, देखिए ये विचारधारा जो है, ये विचारधारा को हमने छोड़ा नहीं है बिल्कुल, और लोग जो चाहते थे वही किया है हमने। आपको पता है कि आज जहां जहां हम लोग जाते हैं हजारों की भीड़ जमा होती है, ठीक है सभा में तो लोग लेके आते हैं, चलो लोगों को गाड़िया में लेके आते हैं, रोड पे क्या है? रोड पे खड़े रहने वाले को कौन बुलाता है?
हजारों की संख्या में दोनों तरफ लोग खड़े रहते हैं स्वागत के लिए, उनका चेहरे का जो एक्सप्रेशन है बहुत कुछ कहकर चला जाता है। देखिए, जो लोग चाहते थे वही हमने किया है, इसीलिए लोगों का जो समर्थन मिल रहा है हमको, हजारों की संख्या में हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। क्यों क्यों जुड़ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने नेचुरल अलायंस किया है, जो लोगों के दिल में दिमाग में था वही हमने किया है। हम बाड़ा साहब के विचार, हमारे गुरु धर्मवीर आनंद जी साहब के विचार, यही तो हमारा ऑक्सीजन है। अभी तो आप मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन ठीक है मुख्यमंत्री बन गए, आपका रिवॉल्ट जो आप कह रहे हैं कि वो सक्सेसफुल हुआ आपकी और बीजेपी की सरकार। आज नाना पटोले जी ने भी कुछ कल कहा है कि शिवसेना हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर नहीं है, लेकिन फिर भी वो साथ में तो है। कांग्रेस अभी फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ में दिखाई दे रही है अभी। ठीक है, अभी मैं कुछ बोलूंगा नहीं। ठीक है, मैं ये पूछ रहा था कि आप अभी मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आपको इस बात की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस महाराष्ट्र में दिखाई दे, क्योंकि आप उनके साथ में सत्ता चला रहे हैं जो 5 साल तक महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनकी अपनी एक छवि रही है 5 साल में सरकार चलाने की। अब ऐसे में आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज है और आपका गवर्नेंस का मॉडल क्या होगा? आप किस चीज पर सबसे ज्यादा पुश करेंगे महाराष्ट्र में? हमारा देखो, प्रो पीपल, प्रो डेवलपमेंट, इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेटिव गवर्नमेंट रहेगा। हमारी सरकार जो है जनता ने बनाई हुई, जनता के लिए सरकार है। हमारी सोच है जनता की सरकार है, जनता की जो अपेक्षा है वही पूरा करेंगे हम लोग। आप जानते हैं कि मैं आज भी, आप ही सब लोग सोचते हो कब सोता है, कब खाता है, कितना काम करता है, तो मैं काम करते रहूंगा। आज भी मैं सोता हूं, सीएम मीन्स चीफ मिनिस्टर नहीं, मैं, मेरी फील है कि सीएम मीन्स कॉमन मैन। मैं आज भी कॉमन मैन की तरह काम करता हूं, जो लोग चाहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि हमारा ही आज ये मुख्यमंत्री बन गया है, तो इसलिए इस राज्य में बदलाव आया, प्रॉस्पेरिटी आई है, इकोनॉमी बूस्ट हो रही है। आप देखते हैं 2.5 साल क्या हुआ था, सब बंद पड़ा था, हम आने के बाद में सब शुरू हो गया। वो तो क्लेम करते हैं कि 6 लाख करोड़ का सुनो इन्वेस्टमेंट आया है। नहीं बिल्कुल, अभी तो मैं आपको त्यौहार का बोलूंगा। लोग बोलते हैं अरे त्यौहार मनाने लगे, त्यौहार की भी जरूरत है लोगों को, अरे मन प्रसन्न होना चाहिए, लोग खुशी होनी चाहिए। अभी 2.5 साल क्या था, बंद पड़े थे, गणपति हो गया, नवरात्र हो गया, दिवाली हो गया, जोर शोर। कोविड की स्थिति थी, अरे कोविड सब बाकी जगह कोविड नहीं था क्या? ठीक है, लेकिन देखिए जो लोगों को चाहिए वो भी करना चाहिए। और आज चाहते देखते आप जो हमारी अर्थव्यवस्था है उसमें बदल रहा है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग रास्ते पे आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अभी मुझे किसी ने कहा मुंबई बहुत बड़ा, मुंबई में आकर खुशी हुई हमें, क्या है? नहीं, लेकिन ये भी तो सच्चाई है ना कि आज देश में जीएसटी कलेक्शन में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा हिस्सा है। 23% जीएसटी कलेक्शन महाराष्ट्र से होता है, उसके बावजूद भी हम क्या देख रहे हैं कि 2 बड़े प्रोजेक्ट्स महाराष्ट्र के हाथ से चले जाते हैं, गुजरात के पास चले जाते हैं। इसका आप क्या जवाब देंगे? और आपकी सरकार आने के बाद ये प्रोजेक्ट चले गए, इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है। 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक वेदांता फॉक्सकॉन का प्रोजेक्ट था, सेमीकंडक्टर पॉलिसी का पहला प्रोजेक्ट इंडिया में आ रहा था, दूसरा प्रोजेक्ट जो टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट था जो नागपुर के लिए कोशिश की जा रही थी, वो भी गुजरात चला गया। आप ही बताओ मुझे, क्या 2-3 महीने में इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं और जाते हैं क्या? 2-3 महीने में हमारे 3 ही महीने सरकार हुई, क्या इतने में बड़े बड़े प्रोजेक्ट इधर से हम लोग उनको भेज दिया उधर, ऐसा होता है किधर? अनिल अग्रवाल के साथ मैंने खुद बात की हुई है, वो जब प्रदेश में थे उनको कहा मैंने, तो बोले देखिए हमें जो यहाँ पर रिस्पांस मिलना चाहिए था, सहयोग मिलना चाहिए था, नहीं मिल पाया। मैं खुद इस बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उन्होंने कहा शिंदे जी देखो उनकी कोशिश थी महाराष्ट्र में, लेकिन जैसा सहयोग उनको सपोर्ट मिलना चाहिए था नहीं मिल पाया, लेकिन आगे महाराष्ट्र के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट हम देंगे। और तभी अनिल अग्रवाल जी को क्या पता था कि सरकार बदलेगी, उनको लगा ये सरकार चलते रहेगी, हम यहाँ का अगर निवेश करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो तकलीफ हो जाएगी। और दूसरा जो एयरबस का, तो 27 जुलाई में 2021 में ही MOU हुआ है सर, डिफेंस मिनिस्ट्री उनका। अभी अनिल अग्रवाल के ट्वीट में भी कहा है कि कई महीने पहले हमने वहां पर जाने का निर्णय फैसला लिया। ये देखिए RTI में पूरा सब दूध का दूध सब सच्चाई आ जाएगी, आ गई है, वो तो हो गया ना, लेकिन आगे क्या होगा उसमें हम जाते नहीं,
चलो ठीक है, हम टीका टिप्पणी नहीं करते, गया प्रोजेक्ट उसका दुख हमें भी है। और प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस महाराष्ट्र में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, पोटेंशियल है, स्किल्ड मैन पावर है, सब कुछ है, हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट आप देने का काम करो। तो उन्होंने कहा है आप चिंता मत करो, हम बिल्कुल यहाँ बड़े प्रोजेक्ट भेजेंगे और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। अभी आपको मैं बताऊंगा, जो हाई पावर कमेटी की मीटिंग जो है पिछले सरकार ने 18 महीने नहीं ली थी, हम लोग ने तुरंत ली। 10 कंपनियां थी उनको 25,668 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट कमिट कर दिया, काम शुरू हो जाएगा 18 महीने में। हाई पावर कमेटी नहीं, आदित्य ठाकरे तो कह रहे हैं कि डवोस में उनसे उनकी बात हुई थी अनिल अग्रवाल के साथ में, वो कह रहे थे कि हम तो यहाँ आने वाले हैं। एमओयू तो बहुत हो गए लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन भी होना जरूरी है। तो आप ये वादा करते हैं कि अब इसके आगे जो एमओयू होगा उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो जाएगा? अब तो गुजरात के चुनाव तो हो जाएंगे, 100% होगा। अभी मैं कल का ही बात बताऊंगा, लोग तो आरोप लगाते हैं कि गुजरात चुनाव की वजह से जा रहे थे। देखो आरोप उसमें मैं जाता नहीं, आरोप का जवाब तो मैं काम से दूंगा। ये जो बीकेसी की एक जमीन थी वो कई बार उसका टेंडर निकला, वो क्यों नहीं आ रहा था इन्वेस्टर? अभी हम लोग ने कोशिश की, तुरंत 2,500 करोड़ उसका इन्वेस्टमेंट हुआ है, वहां पर 5,000-6,000 लोगों को नौकरियां मिलेगी। क्यों? पॉलिसी चेंज हो गई, पॉलिसी पैरालाइज हो चुकी थी, हम लोग ने बदलाव लाया है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट का हम लोग ने अनाउंस किया अभी अर्बन डेवलपमेंट ने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। तो ये देखो हम लोग पूरी कोशिश हमारी है। पूछ रहा है कि वो समृद्धि हाईवे जो आपका पेट प्रोजेक्ट है मुंबई नागपुर वाला, वो कब खुलेगा, क्यों नहीं उसका उद्घाटन हो रहा है? खुलेगा, अभी पूरी तैयारी में है, खुलने की तैयारी। समृद्धि हाईवे आपको मैं बताऊंगा, सिर्फ हाईवे नहीं है, ये एक गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। 700 किलोमीटर की दूरी का ये प्रोजेक्ट है जिसको 15 घंटे लगते थे, आज 6 से 7 घंटे में ये सफर लोग ट्रेवल करेंगे। और वहाँ पर 18 से 20 नोड बना रहे हैं, टाउनशिप होगी, ग्रोथ सेंटर होंगे, लॉजिस्टिक पार्क होंगे, नॉलेज सिटियाँ होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, सब होगा। सिर्फ किसान लोग खुश हो गए, समृद्धि हो जाएगी, प्रोसेसिंग यूनिट हो गए। ये तो गडकरी जी की भाषा बोले, मल्टीनेशनल कंपनियां वहाँ आएगी। गडकरी जी का क्या बोले? मैंने कहा गडकरी जी की भाषा बोल रहे हैं, गडकरी जी हमेशा गडकरी जी कर रहे हैं ना, MSRDC उनके पास था पहले, जो मेरे पास है और जो डिपार्टमेंट मेरे पास था वो तो पूरी तरह खत्म हो चुका था। गडकरी साहब ने तो उसको आप बहुत ऊंचाई पर लेके गए थे, लेकिन पिछले पीरियड में सब खत्म हो चुका था। मुझे वो सौंप दिया, फिर देवेंद्र जी ने मुझे मौका दिया, जब वो मुख्यमंत्री थे मैं MSRDC का मंत्री था, वो काम करने का मौका दिया। तो रिकॉर्ड टाइम में लैंड एक्विजिशन किया हम लोग ने, और 55,000 करोड़ की लागत से वो जो प्रोजेक्ट है अभी शिरडी तक खुल जाएगा, और उसके बाद अगले साल में पूरा क्लियर हो जाएगा। वो एक इस पूरे, आप वहाँ देखो अभी इंडस्ट्री किधर है, थाने, रायगढ़, पुणे, नासिक, संभाजीनगर, बराबर। अभी ये हाईवे के वजह से JNPT नज़दीक आ गया, ड्राईपोर्ट नज़दीक आया, कनेक्टिविटी हो जाएगी, लोग आए जाएंगे, गाड़ियाँ चलती क्या? मैं चलाया गाड़ी उस पर, एकदम बिल्कुल पेट का पानी भी नहीं हिलता है सर, वर्ल्ड क्लास रोड है ये बनाया, तब विरोध किसने किया था आप बता दीजिए, किसने किया? क्यों बताऊं मैं, जिनको पता है सबको क्या है। लेकिन तभी से आपका और फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस का अलायंस चल रहा है, पहले से है ना, हम लोग साथ में है ना, हम लोग वो भी एकदम प्रोएक्टिव है, और उनके हम लोग ये राज्य के लिए उन्होंने कितने प्रोजेक्ट शुरू किए, उस वक्त मेट्रो शुरू किया, समृद्धि शुरू किया, मुंबई पुणे जैसा आज अभी हमारे शिवसेना प्रमुख जी के संकल्पना में नितिन गडकरी जी ने बनाया। आप जानते हो मुंबई पुणे पहले बनाया, उसके ऊपर आरोप लगाया 55 फ्लाईओवर क्यों बनाया, कौन जाएगा उसमें, लेकिन आज मुंबई पुणे डेली अप डाउन करा। मोपलवार इधर बैठे शिंदे जी, एक ही मिनट, वहाँ पुणे में IT पार्क हो गया, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आ गई, रियल इस्टेट बूम हो गई, सर्विस इंडस्ट्री आई। तो हम लोग अभी मुंबई पुणे में भी मिसिंग लिंक कर रहे हैं, दुनिया का सबसे विड्थ वाला जो टनल है हम बना रहे हैं, लोनावाला लेक में से 200 मीटर नीचे, उसके वजह से पुणे 25-30 मिनट जल्दी पहुंच जाएंगे,
घाट सेक्शन पूरा अवॉइड हो जाए, वो सब तो क्या कर रहे हैं हम लोग, नहीं कर रहे काम, नहीं वो सब तो ठीक ही है, लेकिन उसके साथ हम क्या देख रहे हैं कि इतने साल होने के बाद भी मुंबई और आप जहां से आते हैं ठाणे में सड़क पे तो अभी भी गड्ढे पड़ रहे हैं। आज भी मुंबई में थोड़ी बारिश हो जाती है तो उसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ियां ठीक से चल नहीं पाती है, मुंबई पे अभी भी ट्रैफिक जैम की समस्या है। मेट्रो का प्रोजेक्ट तो समय सीमा से आगे चल रहा है, समय सीमा में खत्म नहीं हो पा रहा है, उसको आप किस तरीके से ट्रैक पर लाएंगे? क्योंकि सबसे बड़ा काम तो वही होगा कि अगर मुंबई में जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, मुंबई के गड्ढे और सड़कें नहीं सुधारेंगे तब तक आगे का काम कैसे बढ़ेगा? इसीलिए तो बोल रहा हूं, जैसे हम आ गए पहले तो मैंने चहल को बुलाया, कमिश्नर को, भाई गड्ढे का रोज का क्यों ये सब मीडिया में दिखा रहे, लोगों को तकलीफ हो रही, सब लोगों को परेशानी हो रही, क्या है? तो बोले हम लोग 50-50 किलोमीटर हर साल लेते हैं कॉन्क्रीट करने का। बोले क्यों, पैसे नहीं है क्या? तो बोले है, फिर क्यों रुके पड़े, 500 किलोमीटर के रोड ले लो, 5,500 करोड़ के रोड उसमें ले लिए कॉन्क्रीट करने के, अभी मार्च में जो बचे हैं 413 किलोमीटर के वो भी लेंगे, मतलब पूरी मुंबई में बिल्कुल सभी रास्ते जो है कॉन्क्रीट के हो गए। एक साल में, दो साल में, दो ऐसा साल कुछ जादू तो नहीं ना, ऐसा कैसे करता है? तो हम दोबारा आपको बुलाएं और आपको पूछें जो है वो सब, नहीं दोबारा आपको बुलाएं और आपको पूछें कि हुए कि नहीं हुए। दोबारा आप पूछेंगे ना जब आऊंगा तो बिल्कुल आपको बहुत कुछ चेंज दिखाई पड़ेगा। सिर्फ मुंबई में बिल्कुल 100% रोड कॉन्क्रीट के बनेंगे, खड्डे बिड्डे ढूंढने पड़ेंगे फिर आपको। ये मैं जो बोल रहा हूँ सच्चाई बोल रहा हूँ, झूठ बोलता मेरे को नहीं आता है बिल्कुल। और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, आज दिवाली में देखा ना सब लाइटिंग, कभी देखा था आपने मुंबई में सब लाइटिंग? लाइटिंग मुंबई में देखा कि नहीं सब लोग? वो तो राज ठाकरे की लाइटिंग थी। अरे वो आजकल आजकल आज आप नए ठाकरे ढूंढ रहे कहा जा रहा है? ठीक है, शिवाजी पार्क, उद्धव ठाकरे के साथ झगड़ा हो गया तो राज ठाकरे अभी? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, शिवाजी पार्क में उन्होंने दिवाली मनाई, दीपोत्सव किया, उसमें मैं भी गया था, देवेंद्र जी भी गए थे, ऐसा देव वो त्योहार था। लेकिन पूरी मुंबई में देखो उनके पास जाने में कोई कुछ कुछ क्यों तकलीफ होनी चाहिए किसको? नहीं अभी तो आप जा ही सकते हैं, तो मुझे आप, मैं तो आप जा रहे हैं। देखिए उनका मेरी क्या पहचान पूरा अभी की है क्या? हम लोग साथ में काम किए हुए हैं और मुंबई में पूरी चहल को बुला, एक अच्छा दिखा, सब लोग खुश होने चाहिए, दिवाली अच्छी होनी चाहिए, उसने किया तुरंत। आज मुंबई में हम लोग 250 दवाखाने बना रहे, बाला साहब ठाकरे दवाखाने, पूरे राज्य में 700 दवाखाने बना रहे। और प्रोजेक्ट आपको बताया मुंबई को हम लोग, देखिए सरकार बदल गई है, मुंबई भी जरूर बदलेगी, विकास के ओर बदलेगी, विकास डेवलपमेंट, ये इंटरनेशनल सिटी है। और बताता हूँ, अभी आप नरीमन पॉइंट से उरन जाओगे तो 3 घंटे लगते हैं, ये MTHL जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये ट्रांस हार्बर लिंक जो कोस्टल हाईवे से लेके सीधा चिरले उरन में उतरेगा, लैंड होगा, वो 22 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट सी लिंक है हमारे देश में, और उसकी वजह से 15 से 20 मिनट में मुंबई का नरीमन पॉइंट से सीधा रायगढ़ पहुंच जाएगा। और नरीमन पॉइंट से विरार जो 3-3.5 घंटे लगते हैं वो भी हम लोग कर रहे हैं, कोस्टल रोड और वो सीलिंग विरार से बांद्रा सीलिंग जो वरली है, वरली बांद्रा, बांद्रा वर्सोवा, वर्सोवा विरार। इसीलिए मैंने कहा ना कि कोई डेडलाइन तो बताइए, आपने कहा कि 2 साल में कॉन्क्रीटाइजेशन हो जाए। हाँ 2 साल में तो करेंगे, मतलब ये सारे प्रोजेक्ट मुंबई के। अरे सीलिंग कैसा 2 वर्सोवा तक, क्या ऐसा कैसे करेंगे? तो वो जो है समय लगेगा, 3-4 साल लगेगा। हमारे 2030 का विजन जो है, ये मेट्रो का आपने बताया जो देवेंद्र जी के समय में शुरू हुआ था, 340 किलोमीटर की मेट्रो है। आपको बताऊंगा मैं कि उस मेट्रो में हम लोग एक लाख करोड़ की लागत है, इन्वेस्टमेंट है। आज वहां पर ये मेट्रो कंप्लीट होगी 2026-27 में, बराबर। आप कारशेड दोबारा आरे कॉलोनी में लेकर आए, आप ही के डिपार्टमेंट ने उसको बदल दिया था, आप खुद उस? अरे भैया हम लोग ईगो वाले नहीं है, किसी भी प्रोजेक्ट में ईगो नहीं, दुनिया राज्य का हित, जनता का हित देखना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, सब लोगों ने कहा, और वो कारशेड होना जरूरी था, इसलिए पहले आते ही हम लोगों ने उसका निर्णय ले लिया। पर आप क्योंकि मंत्री थे तब बदल गया था ना उसका फैसला? अरे भैया मैं मंत्री था लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं था ना, अधिकार तो किसको होते हैं, सब पूरे अधिकार मुख्यमंत्री को होते। जैसे मैं आया देवेंद्र जी और मैंने निर्णय ले लिया जो जनता के हित का था, ये लोगों के हित का था। अभी अगर नहीं करते ये प्रोजेक्ट डिले होता, 1,000 करोड़ रुपया बढ़ता, तो किसका जाता, जनता का ही। सर एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में थी तब सबसे बड़ी दिक्कत उनको इस बात से थी, खुद उद्धव ठाकरे और विपक्ष के नेता कई बार ये कह चुके हैं
कि सेंट्रल एजेंसीज विपक्ष की सरकार को बड़ी तकलीफ देती है। उनके खुद के दो मंत्री इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने, आपके कलीग थे मंत्रिमंडल में, उनको जेल में डाला। आपके दूसरे पार्टी में जो कलीग थे संजय राउत, उनको भी जेल में डाला गया। ईडी के डर से लोग आपके साथ जाने लगे। आपके साथ एक विधायक है, उन्होंने तो चिट्ठी लिखी थी उद्धव ठाकरे को कि आप बीजेपी के साथ हाथ मिला लीजिएगा ताकि ईडी का डर खत्म हो जाएगा। क्या यह भी एक कारण यहां पर दिखाई दे रहा है? और क्या आपकी सरकार में ये चीजें ना हो इसके लिए कोशिश की जाएगी? क्या आप उनको शील्ड करेंगे जो आपके साथ आए हुए हैं, ऐसे जो लोग आपके साथ आए हुए हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। मैं मंत्री था, मैंने भी कहा था कि सेंट्रल एजेंसी जो है वो इम्पार्शल, उनकी जाँच होनी चाहिए। किसी को डर या डराने के लिए ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, मैं खुद ने कहा था। और आप बताओ, सरकार बनाने से पहले किसी को अंदर डाल दिया क्या, प्रेशर डाल के मेरे पास आने के लिए? ऐसा कभी हुआ? केस तो चल रही थी ना सर। कोई किसके ऊपर? पांच नहीं, देखिए अभी जिन्होंने जो काम किया वो तो गए, मंत्री थे वो गए अंदर। अभी जो करप्शन करेगा तो उसका क्या, उसके लिए मैं क्या बताऊं? लेकिन आप कुछ लोग तो आपके पास भी आए हैं ना सर, ये भी तो देखिए, मैं खुलेआम कहा था एक सभा में, कोई भी डर से कोई भी दबाव में आकर हमारी पार्टी ज्वाइन मत करो, मैंने खुलेआम कहा था। तो जिनके खिलाफ अभी आपके साथ जो लोग आए हुए और जिनके खिलाफ सेंट्रल एजेंसीज की कार्रवाई चल रही है, उनकी उस कार्रवाई का क्या होगा? लोग ये भी देखते हैं ना कि अचानक ये कार्रवाई बंद हो जाती है, क्या ऐसा होगा? नहीं देखिए, ऐसी कार्रवाई कोई अचानक शुरू भी नहीं होती, बंद भी नहीं होती। ऐसा कोई ये नहीं होता है, किसी के दिल में आया तो शुरू करो, दिल में आया तो बंद करो। पब्लिक भी है, पब्लिक भी सुनती है, जानती है सब ना, ये तो सभी लोगों को समझना है, ये ऐसा नहीं होता है। और जिसके पास खिलाफ में एविडेंस होते हैं और तभी उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसकी जांच होती है। अगर उसमें कुछ गलती नहीं है तो उसको कोई ऐसा कोई किसी को भी तकलीफ देने की आवश्यकता नहीं और नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। आगे की राजनीति आपकी किस तरीके से होगी? अभी तो सरकार बन गई, आप कह रहे हैं कि आपका मॉडल ऑफ गवर्नेंस आपका खुद का होगा, देवेंद्र फडणवीस के साथ आपके अच्छे रिश्ते हैं, मतलब आमतौर पर बॉस उनके अंडर आपने काम किया था, अब वो आपके अंडर काम कर रहे हैं, अंडर काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा मत बोलो, अंडर नहीं, साथ में है, साथ में काम, साथ साथ में है। और उन्होंने पार्टी के आदेश का पालन किया है, पार्टी ने कहा कि आपको ये जिम्मेदारी निभानी है और वो निभा रहे, और बिल्कुल साथ साथ में हम लोग पूरे विश्वास के था। हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है, हम लोगों ने इसलिए आपको बताऊंगा कि जो भी निर्णय लिए है 3 महीने में, बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। आपको मालूम है कि जैसे हमारी सरकार आ गई, तुरंत पेट्रोल डीजल के दाम हमने कम कर दिए, किसानों के लिए हम लोग ने प्रोजेक्ट जो बंद पड़े थे वो शुरू किए। आज जो नुकसान हो गए, क्या बोल रहे लोग कि जाते मंत्री जाते नहीं लोगों को, किसान को मिल, अरे उनको मिलने से अच्छा उनको देना चाहिए ना। तो आज तक जब एनडीआरएफ के नॉर्म्स जो है, जो मापदंड हमने पूरी तरह बदल दिए, एनडीआरएफ के डबल दे दिए किसानों को, 2 हेक्टर के जगह 3 हेक्टर कर दिए, जो नॉर्म्स में नहीं बैठ रहे थे उनको भी हम लोग ने मुआवजा दिया। साढ़े जहां 2000 करोड़ देने थे वहां 6000 करोड़ बांट चुके, और भी कर रहे हम लोग किसानों को, किसी को भी हम लोग ऐसे सरकार उनके पीछे पूरी ताकत से खड़ी है, बिल्कुल रहेगी। तो 2024 में भी आप ही सरकार का चेहरा बनकर चुनाव का सामना करेंगे 2024 में, जब विधानसभा के चुनाव होंगे, क्योंकि उसके पहले लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। आपके जो विरोधक है वो कहते हैं कि लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी को जरूरत है कि किसी ना किसी तरीके से आप उनके साथ में रहें। देखिए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा तो देश ने भी देखा है, देशवासियों ने भी देखा है, दुनिया ने भी देखा है। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता की क्या उनको आवश्यकता है चेहरा बनाने की, बना के चुनाव लड़ने की? वो तो खुद ही सक्षम है विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए, तो पॉपुलर है। विधानसभा का चुनाव तो यहाँ के मुख्यमंत्री के चेहरे पर लड़ा जाता है। देखिए, मैं एक आज भी कहता हूँ, जो मुझे मौका मिला है, जो मौका दिया है जनता के आशीर्वाद से, इसका उपयोग पूरी तरह जनता के फायदे के लिए मैं करूँगा, ये जनता के विकास के लिए मैं करूँगा। या किसान है, कामगार है, महिलाएँ है, विद्यार्थी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सब में काम करेंगे हम लोग। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग काम कर रहे हैं, इतना देश में सबसे ज्यादा इंफ्रा प्रोजेक्ट ये महाराष्ट्र में शुरू है, कई लाख करोड़ के। अभी कल मोदी जी ने भी कहा कि 2 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट है 225 मंजूर करवाए। हमने एक 15000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट भेजा था अर्बन डेवलपमेंट का, एक भी पैसे उसमें से काटे नहीं, पूरे तरह 15000 को
वो जो प्रस्ताव है। सर आपने जवाब नहीं दिया मेरे सवाल। क्या जवाब? 2024 में 2024 तक काम ही ऐसा करेंगे हम लोग, बहुत लोगों के लिए जो फायदे का काम होगा। देखिए मैं आज भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ, मुझे कहाँ पता था कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, ये तो उनके बड़ापन है, उन्होंने बनाया। अभी जो आखिर ये सब जनता तय करती है। महाशक्ति का आशीर्वाद रहेगा आपके साथ। बाबा साहेब ठाकरे जी का पूरा आशीर्वाद हमारे आनंद महाशक्ति का, महाशक्ति का आशीर्वाद। आपने महाशक्ति, महाशक्ति तो है ही ना पीछे, महाशक्ति पहले से है, क्यों क्या प्रॉब्लम है? आखिर में सर क्योंकि देखिए देखिए अच्छा काम करने वाले जो जुझारू नेता है या लीडर है, जिसने जो हिम्मत वाला कदम उठाया है, जैसे उन्होंने इसीलिए उन्होंने मौका दिया, मैं उसका पूरा मौके का जो खुद देखिए जो मौका मिला है ये लोगों के काम में मैं पूरी तरह खर्च करूंगा। खुद की प्रॉपर्टी दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे क्या? खुद की प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं करूंगा, आपको ये बताऊंगा। इसलिए लोग चाहते हैं कि ये हमारे में से कोई बन गया है मुख्यमंत्री। तो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे आप महाराष्ट्र? देखिए वो तो जनता तय करती है ना, ऐसा बोल के थोड़ी चलता है कुछ। आखिर ये जनता के दरबार में, जनता के हाथ में होता है, काम अच्छा करना हमारे हाथ में। चलिए आखिर काम अच्छा है, काम अच्छा करेंगे हम लोग, जो लोग चाहते हैं वही हम करेंगे। शिंदे जी आखिर में एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2019 के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी प्रेडिक्शन करना ये मूर्खता होगी, क्योंकि हर दो साल में क्या होता है वो बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी एक सवाल पूछना बहुत जरूरी है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखा है कि दोस्त दुश्मन बनते हैं, दुश्मन दोस्त बनते हैं, मुख्यमंत्री नेता विपक्ष बनता है, नेता विपक्ष उप मुख्यमंत्री बनता है या मुख्यमंत्री बन जाता है? तो क्या उस तरीके से, जिस तरीके से हमने AIADMK का देखा कि जयललिता और जानकी रामकृष्ण रामचंद्रन फ्रैक्शन एक साथ आ गए, TDP के दो फ्रैक्शन एक साथ आ गए हमने देखा आंध्र प्रदेश में, क्या उस तरीके से शिवसेना के जो दो धड़े बन गए हैं क्या वो कभी एक साथ आ सकते हैं? देखिए मराठी में कहावत है जर आणि तर इफ एंड बट, इसमें कोई वो समय वक्त उसमें जाने से कोई मतलब है। अभी हमारी शिवसेना भाजप की अलायंस है, यहाँ पर हम लोग अलायंस में काम कर रहे हैं, ये मुझे पता है। कोई उद्धव ठाकरे के साथ दोबारा चलिए साथ में आते हैं, दोनों बाला साहब के ही विचारों को लेकर चलने की कोशिश? अभी विचार तो हम लोग आगे ले जा रहे हैं और इसीलिए तो उनकी विचारधारा के वजह से हमें समर्थन मिल रहा है, तो बाकी लोगों ने सोचना चाहिए क्या है वो। चलिए एकनाथ शिंदे आप हमारे स्टेज पर आए, आपने सवाल आखिरकार यही आ रहा है बार बार कि दोनों शिवसेना एक साथ हो सकती है कि नहीं हो सकती, जो मैं आपको बार बार पूछने की कोशिश कर रहा था कि आपने कहा कि आगे का आगे देखा जाएगा, यही आपका कहना है? नहीं देखिए आज हम लोगों ने जो कदम उठाया है ये साफ तौर पे लोग जानते हैं, जो 2019 को जो होना चाहिए था वो हम लोगों ने अभी 3 महीने पहले किए। हमारे बाला साहेब ठाकरे जी की विचारधारा बिल्कुल यहाँ वहाँ, उसके हम बिल्कुल भटके नहीं, यहाँ वहाँ सीधी वहाँ सीधे, जो लोग वो लोगों को नहीं लग रहा था कि ऐसी भूमिका ले सकते हैं, लेकिन हमारी भूमिका में देश का राज्य का हित है, पार्टी का हित वो है। वो तो रिमोट कंट्रोल से चलाते थे ना पार्टी, वो बाला साहब कहते थे ना कि मैं तो रिमोट कंट्रोल हूँ, जो पीछे खड़े रहते थे वो ताकत से, जो कोई संकट में फंस जाता है तो उसके पीछे खड़े रहते थे। अभी क्या, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लीजिए ना, लेकिन जब कोई भी हमारा सहयोगी साथी संकट में होता है, खतरे में होता है, तो उसके पीछे खड़े रहने का काम मुखिया ने करना चाहिए। वो आज मैं बताऊंगा, ये मैंने सीखा है बाला साहब जी के साथ, उनके पास से। इसलिए जो भी संकट में होगा उनके साथ मैं खड़ा रहता हूं। इसलिए विश्वास लोगों को मुझ पर है, इसलिए 50 लोग मेरे साथ आए और उनको मालूम है एक बार एकनाथ शिंदे ने कमिटमेंट किया, वो कमिटमेंट से कभी एकनाथ शिंदे फिरता नहीं, ये विश्वास है। कमिटमेंट करने के बाद फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता है, किसी फिल्म में कोई किसी का डायलॉग हो तो सकता। आपकी अब BJP को कमिटमेंट है कि आप किसी भी हालत में ये गठबंधन नहीं तोड़ेंगे, आप हमेशा उनके साथ में रहेंगे भले जो भी हो जाए। विचारधारा आइडियोलॉजी सेम है, जो हमारे शिवसेना प्रमुख जी की थी वही उनकी भी है, उनके जो सपने वो पूरे कर रहे,
तो उनके साथ ही क्यों नहीं, साथ ही रहेंगे ना। ये अलायंस जो है ये विचारधारा वाले वाली अलायंस है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे करीब करीब सारे सवालों के जवाब दिया। पहली बार हिंदी जगत के, इंग्लिश जगत के एक सबसे बड़े मंच पर आए और आपने खुलकर हमसे बात की, और हम उम्मीद करते हैं कि जो आपने यहां पर वादा किया है, इस स्टेज पर जो वादा किया है कि 2 साल में आप जो करके दिखाएंगे, आपको दोबारा हम यहां पर बुलाएंगे और तब हम पूछेंगे कि आपने जो वादा किया है वो कितना सही साबित हुआ है, आपने कितना पूरा करने की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया एकनाथ शिंदे, चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। थैंक यू सर। धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया इसलिए इंडिया टुडे और अपना आपके इस प्लेटफॉर्म के लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी, आपकी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सभी लोगों को शुभकामनाएं भी देता हूँ। साथ में इस राज्य के हित में जब भी कुछ सुझाव होगा, सजेशन होंगे, नक्की आप करो, उसका सम्मान किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच चीफ मिनिस्टर।